और गांव गांव से आए तमाम मेरे मां भक्त माताओं और बहनों साधु और संतों, आज इस विशाल कार्यक्रम के आप और हम सब साक्षी हैं। और हमने कई बार कहा था कि हम हमारे जीवन में यह प्रथम बार और जीवन का अंत बार इस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जीवन में दोबारा इसको हम नहीं देख पाएंगे। आज प्रातः 6 बजे और 7 बजे हमारी माताएं घर से कलश लेकर और बिना खाए मावजी महाराज को याद करती हुई, अपने गुरुजी को याद करती हुई, पैदल पैदल, पैरों में जूते नहीं और आबूदरा और इधर वाली नदी को, सोम नदी को, जाखम नदी को माताओं ने अपने कदम ताल बनाते हुए अपने उपस्थिति को एक तरह का महाकुंभ का दृश्य दिखा दिया। ऐसी माताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति से प्रार्थना करता हूं, हे माताओं, यह आपका द्वारा आज जो प्रदर्शन हुआ है, आपके द्वारा जो कलश यात्रा निकाली है, निश्चित रूप से मावजी महाराज ने कहा था कि मावजी ने वाड़ा में कोई रोग के न कोई रपटो न कोई बीमारी कुछ भी नहीं होगा और यह काम आज माताओं ने करके दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि गुरुजी के नेतृत्व में इस वागड़ की भूमि के ऊपर, मेवाड़ की भूमि के ऊपर, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूमि के ऊपर हम सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, साधु बनेंगे, संत बनेंगे और मावजी महाराज की जो वाणी है उसको पूरा करेंगे। यह मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। ज्यादा कोई बोलना उचित समझता नहीं हो, यहाँ पर काफी मंत्री जी को जाना भी है, अपनी बात भी रखनी है, गुरु जी का आशीर्वाद भी सुनना है, लेकिन मारी एक आदत है, मन को देर पढ़ाई तक सिर्फ चूतड़िया में चूतड़िया अविश्य है। એટલે ભાઈ માઇક વાળે આ તબલા વાળે કોશિશ કરતો ને કે મારે હાથ આલી શકો તો એક છોટો સા ભજન કરકે મેં આપની વાત કો સમાપ્ત કરતો સબ ગાજો નહીં તો તે મારા કસમ હે ને જિલ્લા પ્રમુખ ના તમન કસમ હે કે જાંબો કડમા ઝૂમ લા જા જારે મહારાજ હેવી હેવી વાય કાયા વી હે મહારાજ જંબો ખડમાં જો મળવા જા રે મહારાજ।
अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे News24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।